आयुष्मान खुराना एक ऐसा टैलेंटेड एक्टर जो इस तरह की मूवीज को साइन करता है जिनका कंटेंट बिल्कुल हटके होता है, जिस कंटेंट को बड़े बड़े एक्टर साइन करने से घबराते हैं, मतलब इस तरह का कंटेंट जो हमारे इंडिया में खुलेआम नहीं देखा जाता पर चोरी चोरी चुपके चुपके सबसे ज्यादा वही कंटेंट देखा जाता है, ये कंटेंट मिलता है सबसे ज्यादा आयुष्मान खुराना की मूवीज में, जो होती है बिल्कुल एक अलग तरह से एक हटके मूवी। अब उनके भाई अपार शक्ति खुराना भी चल पड़े हैं अपने बड़े भाई आयुष्मान खुराना के नक्शे कदम पर और साइन की है एक मूवी जिसका ट्रेलर आ चुका है, मूवी का नाम है हेलमेट। तो इसका कंटेंट किस तरह से हटके है, अलग है और कैसे समान है आयुष्मान खुराना की मूवी से, इन सब बातों के बारे में आप चर्चा करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली पर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेलर हमको देखने को मिला है उस मूवी का नाम है हेलमेट। अगर बात करें इसके राइटर और डायरेक्टर की, सुतराम रामानी ने इसको डायरेक्ट किया है और स्टोरी भी उन्हीं की लिखी हुई है। अगर बात करें स्टार कास्ट, इसमें हमको देखने को मिलेंगे अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और प्रणोदन बहल। बात करें अगर मूवी के प्लॉट की तो कंटेंट जो है वो थोड़ा हटके है, जिस तरह की मूवीज आयुष्मान खुराना की आती है, एक लीक से हटके मूवीज होती है, कुछ इसी तरह का है। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जब भी कोई शख्स मेडिकल स्टोर पर जाता है कंडोम बाय करने के लिए तो काफी शर्माता है और सबके सामने ये बात कह नहीं पाता है। इसी झिझक को एक कॉमेडी मूवीज के जरिए हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है सुतराम रामानी ने और ट्रेलर को देखने से लग रहा है कि वो काफी हद तक सफल भी साबित होते हैं, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमें बहुत से वन लाइनर देखने को मिले हैं और जो पंचेस हैं वो वाकई हमारे जो स्टार कास्ट इसके अंदर ली गई है उसके ऊपर काफी हद तक शूट भी कर रहे हैं। सिर्फ दो ढाई मिनट के ट्रेलर के अंदर ही आपको 3 बार हंसी आएगी, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, जो लगता है कि स्टार कास्ट ने जो अपना काम किया है उसको पूरी तरह से वसूल हो जाएगा। अब अगर बात करें अपार शक्ति की एक्टिंग की तो वो बिल्कुल जज है अपने रोल में और जिस तरह की मूवी की उनको जरूरत थी, क्योंकि हम सबको पता है काफी टैलेंटेड एक्टर है पर उनको वो रोल नहीं मिल पाता जिस तरह आयुष्मान खुराना को जिस तरह के रोल मिले हैं और उन्होंने खुद को एक अलग अपना स्टारडम बना लिया है, दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के मुकाबले अपने आप को एक अलग खड़ा कर दिया है। जिस तरह के जॉनर बनाने की मूवीज के लिए जाने जाते हैं जिसको बड़े बड़े स्टार्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अक्सर ये देखा जाता है इस तरह कंटेंट की मूवी सबके सामने खुल के बातें नहीं की जाती पर अकेले में सबसे ज्यादा इसी तरह कंटेंट की मूवीज देखी जाती हैं। तो अपार शक्ति खुराना भी अब चल पड़े हैं अपने भाई आयुष्मान खुराना के नक्शे कदम पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो काफी किस हद तक इसमें कामयाब हो पाते हैं। अगर बात करें मूवी के प्लॉट की तो इसके अंदर हमको जो देखने को मिल रहा है, मिल रही है 3-4 दोस्तों की कहानी देखने के लिए जिनके पास पैसे की तंगी है, तो वो एक प्लानिंग बनाते हैं एक मोबाइल से भरा ट्रक लूटने की ताकि उनको बेच के वो अपनी पैसे की तंगी को दूर कर सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब वो गलती से एक ऐसा ट्रक लूट लेंगे जिसके अंदर मोबाइल्स नहीं होंगे बल्कि कंडोम्स के पैकेट होंगे। अब वो सोचते हैं कि अब इसको मार्केटिंग मुकाबले कम दामों पर बेचकर पैसे कमा लिए जाए, पर उनको बेचने में उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है कॉमेडी के जरिए हमारे सामने वही चीज प्रेजेंट की गई है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा मूवी के अंदर कि जो इसके राइटर से सुतराम रामानी और किस हद तक कामयाब हो पाए हैं अपनी राइटिंग और डायरेक्शन के दम पर। खैर अगर बात करें मूवी की तो मूवी 3 सितंबर को G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। खैर अभी चलता हूँ, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखना।